हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास टेंथ के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 को कैसे सॉल्व करना है, मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 को ही सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रश्न NCERT में देख लीजिए, चाहे भारतीय भवन में देख लीजिए, चाहे कोई दूसरा भी किताब उठा लीजिए, इसमें बहुत लॉन्ग मेथड से बनाया गया है। इतने लॉन्ग मेथड से बनाया गया है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहद ही शॉर्टकट तरीका है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और उम्मीद है कि आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं रहेगा। और इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि यानी सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करना काफ़ी ईजी है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज में क्या होता है कि तीन कोण बनता है ना, तो यहाँ पर दिया गया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। अब त्रिभुज अगर मान के चलते कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए और इस त्रिभुज में क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जो है कोण ए है और ये मान लेते हैं कि ये कोण बी है, ये 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। तो सी वाला जो कोण क्या होगा, ये तो समकोण होगा ना, ये समकोण होगा। तो पहले फिगर हम बना लेते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करने के लिए। मान लिया कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहां पर लिख सकते हैं कोण ए और यहां पर ध्यान रखिए ये वाला जो कोण ए और बी न्यून कोण है और ये क्या है कोण, ये जो दिखाई दे रही है कोण 90 डिग्री का है, इसको हम सी मान लेते हैं, ये सी रहेगा क्योंकि इसका जो मान होगा 90 डिग्री होगा। तो यहां पर लिखे हैं कि मान लिया कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। और देखिए AB क्या है, न्यून कोण है, सी क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो हमारे पास हमें सिद्ध करना है, सबसे पहले हम लिख देंगे, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए कोण बी के बराबर है, यही हमें प्रूफ करना है। ध्यान रखिएगा इतना है प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया उस कॉन्सेप्ट को हम लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या दिया गया है, प्रश्न से दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, प्रश्न से दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए कॉस ए का मान इस त्रिभुज की सहायता से निकालते हैं, तो कॉस ए के मान कैसे निकालेंगे, देखिए कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, यानी लंब बोलते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपको मालूम है कि बी बाई एच होता है, यहाँ पर भी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो कोण ए के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, पी बोलेंगे, ये तो हमारा पी हुआ ना, तो ये क्या हो गया, बी हो गया, एच तो होगा ही। तो इसीलिए यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, कॉस ए बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, कोण के सामने की भुजा पी हो रहा, तो इसको नहीं लेंगे, ये क्या करेंगे, कॉस ए के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कोण के सामने की भुजा को पी बोलते हैं, तो ये तो हमारा कॉस थीटा में पी नहीं आता है, बी होता है ना, तो ये हो गया पी, तो AC क्या होगा, बी, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, AC बटे H का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर AB लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर कॉस बी दिया गया, तो कोण के सामने की भुजा को पी बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया पी, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पर,
बी सी बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए बी हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, देखिए ए सी को यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहने देंगे, इधर कितना है इसको उतार दीजिए, बी सी बाई ए सी लिख दीजिए, सॉरी बी सी बाई यहाँ पर ए बी लिख दीजिए, इधर बटा में कितना है ए बी है, तो उस ए बी को अगर इधर ले जाकर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ए बी से ए बी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी का जो यानी भुजा ए सी की जो लंबाई है भुजा बी सी के बराबर है। अब चलिए त्रिभुज में देखते हैं, ये हमारा भुजा हो गया ए सी और ये हो गया भुजा बी सी। तो हम लोग त्रिभुज में पढ़े हुए हैं कि जब कोई दो भुजा बराबर हो जाते हैं तो ये दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझिएगा ध्यान से, किसी भी आप समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जब ये दो भुजा आपस में बराबर होंगे तो ये दो कोण भी बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब है इसका नामकरण अगर हम कर दें ए बी सी, चाहे ऐसा भी होता है अगर कोण बी और कोण सी बराबर हो गया तो ये दोनों भुजाएं जो होती हैं यानी ए बी और ए सी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे, चूंकि इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोण बी बराबर कोण सी, आसानी से देख सकते हैं कितनी आसानी से प्रूव हुआ है क्वेश्चन। तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के संलग्न कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको कि अगर ये दो भुजा बराबर हैं तो इनकी जो संलग्न कोण है कोण ए और कोण बी ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने इस प्रश्न को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर दिया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 को ही सिर्फ सॉल्व किया हूँ। अगर आगे के प्रश्न को अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।